जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का 10वां लेक्चर। इलेक्ट्रॉनिक्स का 10वां लेक्चर है और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। लॉजिक गेट में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो आपने पिछले वीडियोज में जो इसके 9 नियम था उसको आपने समझा था। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं यदि आपने उसे नहीं देखा है तो। आज हम लोग चर्चा करेंगे केवल 10वें लॉज को, 10वें नियम को, और फिर आगे के क्लास में हम लोग पढ़ पाएंगे नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का 10वां लेक्चर कक्षा 12 के लिए। डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम है क्या? इसमें आपका दो आएगा। पहला मैं आपको बता रहा हूं, ये हो जाएगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये बराबर हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो गया आपका, ये ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी का होल बार बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। आपसे पूछेगा व्हाट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो क्या लिख सकते हैं? आप ऐसे लिख सकते हैं द कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सम इज इक्वल टू द यहां क्या है आपका, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट हो गया। दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स थ्योरम। ए प्लस बी का होल बार या होल कॉम्प्लीमेंट बराबर हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। भाषा में क्या लिखेंगे, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स थ्योरम। इसमें आपका दो आएगा, आपका एक हो गया। आप इसको प्रूव कर सकते हैं, कहेगा प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो वही आपका ट्रुथ टेबल यूज करेंगे, ए और बी के इनपुट यूज करेंगे और प्रूव कर पाएंगे। आप और भी रास्ते हैं, आप इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे इसको। चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूं। यहां आप इसको देखिए, अभी मैं टोटल इसका वैल्यू लेकर बताऊंगा, पहले थोड़ा सा उदाहरण से मैं इसको समझा देता हूं। जैसे जब मैं लेता हूं एग्जांपल, ए का वैल्यू लेता हूं 0 और बी का भी हमने इनपुट क्या ले लिया 0। 0 समझते हैं ना, फॉल्स, सर्किट ओपन है, बल्ब तो जलेगा नहीं, 0 का अर्थ ये होता है, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, एलएचएस चेक कीजिए, एलएचएस चेक कीजिए, तो एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट, और हमने बताया है कि 0 प्लस 0 ये होता क्या है, 0 कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो गया आपका 1 आ गया। अब आरएचएस यूज करेंगे, आरएचएस, ठीक है, तो आरएचएस पे क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा आपका 0 का, या आपको नजर आ रहा होगा 0 का कॉम्प्लीमेंट बराबर, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और इसका कॉम्प्लीमेंट डॉट 1, तो 1 डॉट 1 क्या हो गया आपका 1 हो गया। यहां आपका एलएचएस नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है आपका एनएचएस किसके बराबर हो गया, आरएचएस के बराबर हो गया, एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस। आप ऐसे भी दर्शा सकते हो कि डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है आपका सही है। चलिए आप ये तो हम ले लिए वैल्यू, अब हम और भी एक और वैल्यू ले सकते हैं, है ना। यहां पर आप क्या कर दीजिए, ए का वैल्यू 1 ले लिए, आप कुछ भी ले सकते हो, वो तो मैं पूरा ट्रुथ टेबल बनाकर बताऊंगा,
ऐसे समझा दे रहा हूं, आप ऐसे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए अब यहां पर आइए, एलएचएस देखिए क्या है। एलएचएस बराबर ए प्लस बी का, तो ए की जगह क्या है, ए की जगह क्या है वन प्लस जीरो का होल कॉम्प्लीमेंट। तो वन प्लस जीरो है आपका, तो और गेट है बल्ब जल जाएगा, वन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया आपका जीरो हो गया। चलिए आरएचएस देखेंगे, आरएचएस देखेंगे क्या कह रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट वन का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट, ये जीरो का बाद ये तो उलट जाएगा ना, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा जीरो डॉट जीरो कॉम्प्लीमेंट वन, ये क्या हो गया आपका जीरो। यहां आप देख पा रहे हैं कि आपका जो एलएचएस है वो आपका क्या है आरएचएस के बराबर है। इस प्रकार डी मॉर्गन थ्योरम हो गया। क्लियर, बात समझ गए आपका, ये बहुत आसान है। ठीक है अब चलिए, अब आपको इसका पूरा मैं बना ही दे रहा हूं इसका, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। क्या मिल गया हमको फॉर्मूला, ए प्लस लॉज क्या मिल गया टॉर्च ठीक है, ये आपका क्या हो गया प्लस हो गया। क्या क्या ले सकते हैं हम, ए ले लेंगे इनपुट, बी ले लेंगे, कल हमने लिया था ए ले लेंगे बी ले लेंगे, फिर उसके बाद क्या ले लेंगे ए प्लस बी ले लेंगे और ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ये क्या हो गया मेरा एलएचएस हो गया, बात समझ गए एलएचएस हो गया। अब आप यहां से क्या कीजिए कि डिवाइडर लगा दिया, फिर हम आरएचएस के लिए बनाते हैं, ए ले लो आप बी ले लो है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट ले लो बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो और आप ए डॉट बी निकाल दो। आप चाहे तो एक ही में इसको बना सकते हैं, मैं इसको अलग अलग कर दिया, एलएचएस के लिए अलग बना दिया और आरएचएस के लिए अलग बना दिया। आप इसके जस्ट नीचे इसको लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है आपका ये एलएचएस हो गया ना, ये तो आपका क्या हो गया एलएचएस हो गया और ये आपका क्या हो गया आरएचएस हो गया। यहां दो इनपुट है तो टू का पावर एन, दो का स्क्वायर चार, अर्थात चार आपको पुट कर रहे हैं। चलिए पुट कीजिए, चार वैल्यू पुट कीजिए, इसको ऐसे कर देंगे देखने में थोड़ा स्मार्ट लगेगा, वैसे भी आजकल सब कुछ स्मार्ट हो रहा है। ये आप अलग इसको बना सकते हैं, ये आपका मेरा ये अलग है, ये अलग बाउंड्री लाइन है। ठीक है ये आज इसके लिए हमने अलग बनाया है, मैं एक ही बनाकर समझा देता हूं। आप चाहे तो ये दोनों हटाकर डायरेक्ट एक ही में भी लिख सकते हैं, बहुत जगह लोग डायरेक्ट एक ही में कर देता है, हम यहां अलग अलग ले लेंगे। ये थोड़ा सा और गैप डाल देता हूं मैं, हाँ ताकि ये इसका वाला उसमें नहीं घुसे। चलिए अब ये लेता हूं मैं जीरो, चार वैल्यू लेने हैं ना इसको, वन हो गया आपका, टू हो गया आपका, थ्री हो जाएगा और आपका ये फोर हो गया, हो गया। चलिए डी मॉर्गन थ्योरम को हम लोग यहां से देख सकते हैं, जहां आप क्या क्या ले सकते हैं आप, ये खूब अच्छा टेबल हमने बना दिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ए क्या हो जाएगा जीरो ले लिया, बी जीरो ले लिया, क्या ले सकते हैं ए वन बी जीरो, फिर ये जीरो, फिर ये वन, फिर ये वन, ये ले सकते हैं ना, मैंने कितने बार ये लिया है। अब ए प्लस बी, ए प्लस बी हमने बताया है कौन गेट है आपका और गेट है, तो कोई एक आपका वन रहेगा तो बॉल जल जाएगा, कोई एक रहेगा वन तो आपका ये तो जीरो हो जाएगा, वन है तो वन हो जाएगा, वन है तो वन हो जाएगा और वन है तो आपका वन हो जाएगा। अब ये बोल रहा है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी का जो भी मान आया उसका उलट दो, निगेशन कर दो। चलिए निगेशन करते हैं,
जीरो क्या हो जाएगा वन, वन क्या हो गया जीरो, वन क्या हो गया जीरो, वन क्या हो गया जीरो, एलएचएस मिल गया। अब इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। चलिए फिर यहां लेते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, आप चाहो तो एक ही बना सकते हो, हमने अलग अलग कर दिया है, ठीक है। तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये वन लेंगे, ये जीरो लेंगे, ये जीरो लेंगे, ये वन लेंगे, और ये वन वन हो गया। अब आरएचएस के लिए अलग टेबल बनाया हमने। अब ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, एक बार लेना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट लीजिए, जीरो का क्या हो जाएगा वन, वन भी क्या हो जाएगा जीरो, जीरो का हो गया वन, इस वन का हो गया जीरो। नाउ अब बी का कॉम्प्लीमेंट लीजिए, तो जीरो का क्या हो गया वन, इस जीरो का हो गया वन, इस वन का हो गया जीरो, और इस वन का हो गया जीरो। अब बोल रहा है कि इस दोनों का डॉट करवाओ, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का डॉट करवाओ, ये हमारा आरएचएस में था। तो डॉट करवाएंगे, डॉट डॉट डी एंड गेट, एंड गेट में क्या होता था, दोनों वन होना चाहिए, दोनों वन रहेगा तब ये बल्ब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। चलिए तो क्या हो जाएगा यहां पर, तो आपका इस दोनों में डॉट लेना है, तो वन वन क्या हो गया आपका वन हो गया, जीरो वन, एक जीरो हो गया ना बल्ब नहीं जलेगा, एक जीरो हो गया बल्ब नहीं जलेगा, दोनों जीरो बल्ब नहीं जलेगा। अब यहां आप देख पाएंगे कि एल एच एस का वैल्यू, वैल्यू ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आर एच एस, क्या बराबर है। इस प्रकार हमने क्या किया, डी मॉर्गन थ्योरम को प्रूव कर दिया। क्या कर दिया हमने, डी मॉर्गन थ्योरम को प्रूव कर दिया। अब इसका दूसरा जो है उसको प्रूव करके दिखाते हैं। चलिए क्या नजर आ गया, दूसरा नजर आ गया, ए डॉट बी का, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट, या इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यानी यहां जो प्रोडक्ट रहेगा वह इसके कॉम्प्लीमेंट के क्या होगा, योगफल के सम के क्या होगा, बराबर होगा। आप यहां खुद चेक कर सकते हो, एग्जाम्पल आप कोई भी एक वैल्यू ले लो, कोई वैल्यू ले लो, ए का वन ले लो और बी का जीरो ले लिया इनपुट, है ना, तो आपका एल एच एस क्या हो जाएगा, आपका एल एच एस क्या हो जाएगा, एल एच एस बराबर क्या बोला ए डॉट बी का, तो वन डॉट जीरो का कॉम्प्लीमेंट, ये जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया आपका वन। अब आर एच एस लेते हैं, आर एच एस लेते हैं, ठीक है, आर एच एस में क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो वन का कॉम्प्लीमेंट प्लस जीरो का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा आपका वन हो जाएगा। हेयर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस डी मॉर्गन्स थ्योरम प्रूव्ड, वेरी सिंपल। आप कोई भी वैल्यू लेकर क्या कर सकते हो, इसे आप दर्शा सकते हो, इतना आपका आ जाएगा। और अभी इसके पहला को हमने ट्रुथ टेबल के द्वारा को दर्शाया है, तो आप भी इसको ट्रुथ टेबल के द्वारा दर्शा सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, और बहुत अच्छी तरह से आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम समझ में आ गया होगा। ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। चलिए इस प्रकार आपका जो लॉस था दसों लॉस समाप्त हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उसमें बताएंगे कि नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमारा ये क्या होगा, आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसका ट्रुथ टेबल, जैसे ए ले लिया हमने, ठीक है, फिर क्या करेंगे बी ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे ए डॉट बी ले लेंगे, फिर ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, है ना, फिर क्या ले सकते हैं ए का डैश ले लें, ए बार फिर बी बार, और फिर हो जाएगा पीछे वाले जो मैंने बनाया था उसमें अलग अलग कर दिया था, है ना, यहाँ अलग अलग नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे आपका एक ही में कर देंगे। ये भी एक रास्ता है, रास्ता तो बहुत है,
बस आप सीख जाओ, ये महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग काम क्यों सीखना है। अब ये चार इनपुट हो सकते हैं, तो मैं रेखा भी खींच दे रहा हूं। चार, 1, 2 और 3, 4 हो गए। चलिए अब आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा आपका। ये डब्बा जो है क्लीन कर दिया है। आप क्या वैल्यू ले सकते हैं, आपको पता है क्या वैल्यू लेना है आपको। आप खुद इसको बना सकते हो, खुद बनाओ इसको। ऐसा लग रहा है कि डब्बे में कुछ मिठाई भर दिया, ये भी भर दिया, हो गया। चलिए आप खुद कर सकते हैं। यहां हम ए का ले लिया, हमने क्या ले लिया, 0, ये भी हो गया 0, ये हो गया 1, ये लिया 0, ये 0, ये 1 और ये 1 1। हमारे पास दो ही वैल्यू है ना, चार कर दिया। अब ए डॉट बी है, डॉट डॉट करने का अर्थ एंड गेट, डॉट डी से डॉट एन डी एंड गेट, एंड गेट में दोनों वन रहेगा, दोनों वन रहेगा तो बल्ब चलेगा। चलिए तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, कितना सिंपल है। अब इसके कॉम्प्लीमेंट लेना है, बाहर लेना है, 0 क्या हो जाएगा 1, इस 0 का 1, इस 0 का 1, इस 1 का क्या हो गया 0, समझे हीरो, हो गया क्लियर, आसान है। एलएचएस आ गया। अब आरएचएस में आते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट लो, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। फिर बी पे आओ, बी का कॉम्प्लीमेंट लो, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, फिर इस 1 का 0 आ गया। अब बोल रहा है इस ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का जोड़ देना है, प्लस और गेट। और गेट मतलब कोई 1 रहेगा तो बल्ब चलेगा। तो यहां तो दोनों 1 है तो बल्ब जल गया, यहाँ बल्ब जल गया, यहाँ बल्ब जल गया और यहाँ बल्ब नहीं जला। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे ये आपका राइट हैंड साइड था और ये आपका एलएचएस था। क्या बराबर है, बराबर है 1 1 1 1 1 1 0 0। वाओ, आपका जो एलएचएस है इसके आरएचएस के क्या है आपका बराबर है। अतः डिमॉर्गन सॉरी डिमॉर्गन थ्योरम क्या है, सही है, समाप्त हो गया। डिमॉर्गन थ्योरम अच्छी तरह समझ गए, ये क्या बोल रहा है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट। एक इसका उल्टा था और ये उसका सीधा हो गया, या प्लस था तो वहां डॉट हुआ, या डॉट है तो वहां प्लस हो गया। डिमॉर्गन थ्योरम अच्छी तरह आपको समझ आ गया और आपने इसको प्रूव भी कर लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।